हेलो, वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। आई एम योगेश अग्रवाल। मैं आप सभी का फिजिक्स की इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। बिकॉज इसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर पाए, है ना। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, मैं इम्पोर्टेंस लिखता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा शॉर्ट में लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंस क्या है, इट गिव्स अस ओपन डोर, इट गिव्स अस द ओपन डोर फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसने क्लियर हमको ये एक डोर दिया जिसके वजह से हम आजकल जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी वर्क आप देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी से जो हम मैकेनिकल वर्क कर पाते हैं, सब इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कमाल है, राइट right? तो फिर है तो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप सोचेंगे भाई ऐसा कोई एग्जांपल है क्या, है ना। ये देखो, इलेक्ट्रिक मोटर, ये कितना बड़ा एग्जांपल है कि आज हर घर में इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ होता है। पानी को हम अपने नल में जो पानी आते हैं या फिर ग्राउंड पे जो हम पानी स्टोर करते हैं उसको ओवरहेड टैंक पर बिल्डिंग के ऊपर तक ले जाने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट गिव्स अस द मैकेनिकल आउटपुट, राइट। तो है तो बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसा मैंने कल आपको बताया था, इन द ईयर ऑफ 1820 मिस्टर ओरस्टेड डिड इट, और यू कैन कवर्ड। और मैंने आपको बताया था हुआ क्या था कि एक वायर में जब करंट फ्लो हो रहा था तो उसी समय पर हुआ क्या, एक उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा था तो उसकी निडल जो नॉर्थ साउथ थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। उसकी निडल डिफ्लेक्ट होके उसने कुछ एक शंका का विषय दिया मिस्टर ओरस्टेड को, और उन्होंने आपके सामने रख दिया ये फिनोमेना जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो बात तय हो गई कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया 1820 में, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सोचें कि वायर है, मैग्नेटिक कंपास है, तो मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किधर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। मैं जब भी ये वाला फिगर यूज़ करता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन नॉर्थ साउथ आपको ऐसे दिखाना है तो इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ पे साउथ है, हम इसको रोटेट कर देंगे, इसको रोटेट करेंगे तो ईस्ट नीचे आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ साउथ। इस डायरेक्शन से हम पता लगाएंगे कि जब हम कोई करंट फ्लो करते हैं किसी वायर में तो उसके पास रखा हुआ या उसके ऊपर नीचे कहाँ पे भी रखा हुआ जो मैग्नेटिक कंपास है उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, राइट। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, आपने वो ट्रिक का यूज़ करके उसको यूज़ करना है, राइट। एग्ज़ाम में उस ट्रिक से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, सपोज करते हैं इसके हम कई केसेस लेंगे एक तरीके से, कि ये अगर वायर है, ये वायर है और यहाँ पे अपना कोई नीडल है, ये नीडल है, ये नॉर्थ और ये साउथ, राइट। ये नीडल रखी हुई है, ये बीच में से पीवट बनाया गया है जिससे कि ये रोटेट कर सके, और करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से,
करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें बताना है कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा नीडल का, मैग्नेटिक नीडल का, वो किस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो हम इसके लिए जो एक ट्रिक यूज़ करते हैं वो है, ट्रिक जो है ना वो है स्नो ट्रिक। स्नो ट्रिक, स्नो ट्रिक का मतलब क्या है, पहले मैं इसका लॉन्ग फॉर्म लिख देता हूं, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। ये ट्रिक आपको हमेशा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन पता लगाने में मदद करेगी। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां से करंट अगर साउथ नॉर्थ जा रहा है, करंट अगर साउथ टू नॉर्थ मूव हो रहा है और ओवर, इसके ऊपर रखा हुआ है, ये करंट का वायर जो है ना ऊपर है मैग्नेटिक कंपास के, तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, दैट विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं इसका मतलब क्या है, इफ करंट फ्लोज इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड कंपास इज ओवर द वायर, ये ओवर का मतलब ये आ रहा है ओवर द वायर, देन नॉर्थ पोल विल मूव टूवर्ड्स वेस्ट, विल मूव टूवर्ड्स वेस्ट, राइट। ये आपको ट्रिक याद कर रखनी है और हम इसे अभी अंदाजा लगाते हैं कहां पे कैसे मूव होगा। अब यहां देख लीजिए, चलिए करंट फ्लो हो रहा है यहां पे, ये साउथ है ये नॉर्थ है, क्योंकि हमें साउथ नॉर्थ ये डायरेक्शन लिया हुआ है पहले से ही, नॉर्थ राइट, तो साउथ टू नॉर्थ अब ये मूव हो रहा है, तो हमें देखना है ये किधर मूव होगा, राइट ठीक है। देखिए साउथ टू नॉर्थ मूव हो रहा है, इट्स ओके, पहली बात डन, साउथ टू नॉर्थ डन, ये हो रहा है, वायर ओवर है, ओवर वायर ओवर, ये भी डन, तो फिर दोनों ही चीजें डन है, तो इसका मतलब नॉर्थ विल मूव, नॉर्थ पोल विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ नॉर्थ पोल मूव करेगा, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, सो टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। ये हुआ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये साउथ नॉर्थ ही है लेकिन अब करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हमारा ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसका मूवमेंट कैसा रहेगा। देखिए साउथ टू नॉर्थ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, साउथ टू नॉर्थ नहीं जा रहा, अब ये कहां से जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है करंट, सो ये क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस हो गया, एक भी काम इन दोनों में से अगर एक भी काम अगर नहीं हो रहा तो अपोजिट हो जाएगा, और अगर दोनों ही नहीं हो रहे तो डबल अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो देखिए साउथ टू नॉर्थ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल विल नॉट मूव टुवर्ड्स वेस्ट, इट विल मूव टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। और ओवर तो रखा हुआ है, वायर ओवर, वायर ओवर है, सो एन पोल विल मूव टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव होगा, ईस्ट किधर होता है, ईस्ट नीचे की तरफ होता है, तो ये ईस्ट की तरफ मूव होगा, टुवर्ड्स ईस्ट, ये जा रहा था टुवर्ड्स वेस्ट, इज इट क्लियर टू यू। अब हम इसके आगे का और एग्जांपल लेंगे, एक यहां पे बनाते हैं नंबर थ्री, ये देखिए, अब पहले अपने पास कंपास नीडल रखी हुई है, ये नॉर्थ ये साउथ और ये है वायर नीचे की साइड में, अब पहले वायर ऊपर था अब नीचे की साइड में है, या साउथ है या नॉर्थ है और साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो देखिए करंट साउथ टू नॉर्थ ओके जा रहा है, तो इसको नॉर्थ पोल को ईस्ट की तरफ मूव होना चाहिए, सॉरी वेस्ट की तरफ मूव होना चाहिए, नॉर्थ पोल अभी ओवर नहीं है ना, लेकिन ओवर नहीं है, साउथ टू नॉर्थ तो जा रहा है लेकिन वायर इज अंडर द कंपास, तो फिर ये गलत हो गया क्योंकि यहां पे ओवर द वायर है क्या, मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे, वायर इज
ओवर द कंपास नहीं है, ओवर द कंपास नहीं है, तो एक शर्त दोनों में से एक जो भी अपनी कंडीशन थी वो फेल हो गई, एक कंडीशन फेल हो गई तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब क्या ये टुवर्ड्स वेस्ट जाएगा? नहीं जाएगा, दोनों ही कंडीशन ठीक होती तो ये जा रहा होता, तो ये टुवर्ड्स अब ईस्ट जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स ईस्ट। सो एन पोल मूव्स टू ईस्ट मतलब विल नॉट मूव टुवर्ड्स वेस्ट, इट मीन्स इट विल गो टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। और चौथी कंडीशन मैं यहां देख लेता हूं, नंबर फोर्थ कंडीशन, सिमिलरली अगेन कॉइल इज नीडल इज देयर, एस एन है और ये एस और एन, लेकिन करंट जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो मैं यहां पे लिख लूंगा क्या टू एन करंट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जा रहा है क्या, साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ओवर द कंपास है क्या? नहीं है, वायर भी नीचे है कंपास के, तो ओवर तो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन फेल हो गई। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ जा रहा है, नहीं जा रहा, तो फिर ये वेस्ट की तरफ मूव नहीं करेगा, किधर मूव करेगा, ईस्ट की तरफ, पहली बात तो ये, इसके लिए वापस ये वेस्ट की तरफ चला जाएगा, इट विल मूव। सो राइट तो ये एक ट्रिक थी जो आपके सामने है, क्लियर कट, आपको दोबारा समझा देता हूं, नो ट्रिक कहते हैं इसको, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, मतलब ये अगर करंट साउथ वेस्ट जा रहा है और वायर जो है ना कंपास के ऊपर है, वायर कंपास के ऊपर है, तो नॉर्थ पोल विल मूव वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। पहली कंडीशन में हमने क्या देखा, देखो वायर है और ये कंपास नीडल है, तो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है करंट, यस जा रहा है, पहली कंडीशन ओके हो गई, तो इसका मतलब टुवर्ड्स वेस्ट जाएगा, यही ना, साउथ टू वेस्ट, ओवर है वायर तो वेस्ट मूव करेगा, वेस्ट मूव कर गया, लेकिन वायर भी ओवर है दूसरी कंडीशन में है, तो और पक्का हो गया, बिल्कुल ही वेस्ट की तरफ जाएगा ही जाएगा 100%। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, हमने सेम सिस्टम रखा लेकिन हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी, अब एक भी कंडीशन बदली तो आपको पता ही है ये चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो गया, वो पहले वेस्ट की तरफ जा रहा था अब ईस्ट की तरफ जाएगा। यहाँ देखिए अब वायर नीचे आ गया लेकिन करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये वेस्ट की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वायर नीचे रखा हुआ है, वायर ओवर द कंपास नहीं है, तो ये चेंज होकर ईस्ट की तरफ आ गया, सो इट इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। सिमिलरली हेयर, पहली बात तो करंट जा रहा है वापस नॉर्थ टू साउथ, एस टू एन नहीं जा रहा, तो फिर वायर को ईस्ट की तरफ यानी कंपास को ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, वो जा रहा है, लेकिन कंपास भी ऊपर है, वायर नीचे है, तो वापस से वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा, वेस्ट, राइट। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और डेफिनेटली ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेगा, राइट। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और मैं इसको नोट को रब कर देता हूँ और आगे का आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चलिए आगे की बात सीखते हैं, तो इम्पोर्टेंस आपने समझ लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें और एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है, इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आते हैं, मैक्सिमम आर आस्किंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस are asking for
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये, और दूसरा इसका रिलेशन करंट के साथ कैसा है वो हमें पता करना चाहिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी के ऊपर हमें सारी स्टडी अब आगे की करनी चाहिए, राइट। ये दोनों चीज़ों को ही ध्यान में रखना है हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड के कई सारे पैटर्न बनते हैं। अभी अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि अगर किसी, दोबारा से पढ़ते हैं, जैसे अगर किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस फिनोमेना को या इस इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। एक करंट फ्लोज इन ए कंडक्टिंग वायर, इन ए कंडक्टिंग वायर, इफ ए व्हेन ए करंट फ्लोज इन ए कंडक्टिंग वायर, ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स अराउंड द वायर this is called as magnetic effect of electric current, and this phenomena is called as electromagnetism। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दी थी, राइट। तो अब सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जब करंट फ्लो हो रहा गया तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा वो किस टाइप का होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया इंपॉर्टेंट हमें क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो गाय के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें वो सबसे पहले सीखना पड़ेगा, बाद में उसका रिलेशन देखेंगे, राइट। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग बेसिकली इसी बात पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज फ्लोइंग।